हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टेज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मेवे के नाम यानी जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, जैसे कि काजू को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बादाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सुपारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मखाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मूंगफली को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मतलब ये सब इस वीडियो में जानेंगे। ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो 2 से 3 मिनट का वीडियो है, अच्छे तरीके से बस आप देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। काजू, काजू को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो काजू को इंग्लिश में कैश्यू नट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कैश्यू नट कहते हैं काजू को। बादाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो बादाम को इंग्लिश में अलमोंड कहते हैं, अलमोंड, ठीक। फिगर भी आपको यहाँ पे साथ साथ दिखते चलेगा जिससे कि आप अच्छे तरीके से रिलेट कर पाए। सुपारी, सुपारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सुपारी को इंग्लिश में बिटल नट कहते हैं, बिटल नट, ठीक। छुहारा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो छुहारा को इंग्लिश में ड्राई डेट्स कहते हैं, ड्राई डेट्स। एक होता है खजूर, खजूर को इंग्लिश में डेट्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अंजीर, अंजीर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो अंजीर को इंग्लिश में फिग्स कहते हैं, फिग्स। नेक्स्ट है हमारा मखाना, मखाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो मखाना को इंग्लिश में लोटस सीड्स बोलते हैं, लोटस सीड्स, ठीक। और नेक्स्ट हमारा मूंगफली, मूंगफली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो मूंगफली को जो इंग्लिश में हम बोलते हैं पी नट, पी नट्स, मूंगफली को इंग्लिश में पी नट्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा किशमिश, किशमिश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो किशमिश को इंग्लिश में रेजिन्स कहते हैं, रेजिन्स, ठीक। नेक्स्ट हमारा अखरोट, अखरोट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो अखरोट को इंग्लिश में वॉल नट कहते हैं, अखरोट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो अखरोट को इंग्लिश में वॉल नट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा केसर, केसर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो केसर को इंग्लिश में सेफ्रोन कहते हैं, सेफ्रोन। नेक्स्ट है हमारा नारियल, नारियल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो नारियल को इंग्लिश में कोकोनट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सौंफ, सौंफ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सौंफ को इंग्लिश में फिनेल कहते हैं, फिनेल। नेक्स्ट है हमारा मुनक्का, मुनक्का को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो मुनक्का को इंग्लिश में प्रूंस कहते हैं, प्रूंस। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट मेवे के नाम यानी ड्राई फ्रूट्स नेम थे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कुछ आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।